महिला आरक्षण बिल। बीजेपी विधायक सरिता आर्या ने कहा है कि महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार उन्होंने जताया है। वहीं महिला आरक्षण बिल सदन में पारित होने के बाद रामपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा है कि हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। महिला आरक्षण बिल लाने के लिए राज्य सरकार के साथ मीडिया का भी वो आभार अदा करती है। हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और एक महिला आरक्षण पर एक अध्यादेश हमने पास किया है और मैं पक्ष और विपक्ष सभी साथियों का आभार और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बहनों जिनकी वजह से आज उत्तराखंड बना है उस विषय पर अपना समर्थन दिया। मैं सबका आभार और धन्यवाद करता हूं और विशेषकर सबसे ज़्यादा अपने मीडिया के साथियों का, क्योंकि आपका भी बहुत बड़ा योगदान हमारी बहनों को उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करने में रहा है। धन्यवाद कि मैं आज माननीय अपनी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने सभी मंत्री और विधायकों का और विपक्ष का भी आज इसमें जो हमें सर्वसम्मति से महिला जो लोक सेवा अधिनियम आरक्षण पास हुआ है, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि जो हमने महिलाओं ने ये उत्तराखंड बनाने में जो अपनी भूमिका निभाई उसका जो आज सम्मान हमारी बेटियों को मिला लोक सेवा अधिनियम में, उनको शैक्षिक जो उनकी योग्यता के अनुसार इसमें आरक्षण मिलेगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगी। और कई आज अधिनियम पास हुए हैं, मैं उसका भी स्वागत करती हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी और अपनी सरकार का बहुत बहुत आभार करती हूं। धन्यवाद। देहरादून में विधानसभा में सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण बिल पारित होने की खुशी में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चे की महिलाओं ने खुशी जाहिर की है। महिलाओं ने मुख्यमंत्री धामी का आभार जताया है। मुख्यमंत्री धामी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि सरकार महिलाओं को हर स्तर पर सम्मान दे रही है।